गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यू दर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैरिट्स ऑफ मिक्सड इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी मैरिट्स इंजॉय करती है दोनों के कैपिटलिज्म के भी और सोशलिज्म के भी तो मेन मैरिट्स क्या है इसके सबसे पहला इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि लोगों के पास राइट है कि वो एक्वायर कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ये चीज़ इंकरेज करती है कैपिटल फॉर्मेशन को और इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करवाती है इंसेंटिव लोगों को कि वो हार्ड वर्क करे और Thank <laughs> you. प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यूनिट्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाए और जिससे जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्रमोट होगी देन कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन हेल्दी कंपटीशन होता है अमंग दी प्रोड्यूसर्स तो जो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी है वो हाई रहता है और जो पॉसिबिलिटी है प्राइवेट प्रा, प्रॉफिट की वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इसीलिए जो सारे फैक्टर्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं और कंपटीशन की वजह से जो बिजनेस यूनिट्स हैं, वो ट्राई करती हैं कि उनकी वेस्टेजेस कम हो एफिशिएंसी इंप्रूव हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का नेक्स्ट इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस करना चाहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंट यूज़ करता है रिसोर्स का ताकि ज्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके और जो मेन मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का दैट इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर तो एक सिंथेसिस होता है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट प्राइवेट प्रॉफिट प्रोफिट का जो मिक्सड इकोनॉमी है वो प्रमोट करती है दोनों चीज़ें लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एज वेल एज सोशल वेलफेयर भी। इज़ एडवांटेजेस ऑफ़ प्लानिंग। जो है, उसे जो भी प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं, वो सारे मिलते हैं रैपिड डेवलपमेंट कंट्री की होती है इकोनॉमी की होती है इन दी विद्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की फूड शॉर्टेज की पॉवर्टी एक्सेट्रा की वो आप प्लान के थ्रू टैकल करते हो तो जो इकोनॉमी है वो एक प्लान मैनर में वर्क करती है देन नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक इक्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इक्वालिटी का वो आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो बिना इकोनॉमिक फ्रीडम को सेक्रीफाइस किए जो प्रोस्पैरिटी है प्राइवेट सेक्टर की वो इंक्रीज होती है लेकिन उसे कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है टैक्सेस हायर रेट्स पे रिच क्लास पे और स्पेंड करती है सोशल वेलफेयर पे पुअर क्लास की और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो प्रमोट होती है नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जो पुअर और मिडिल क्लास पीपल हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन बाय रिच मोनोपोलीज एंड लैंड लॉड क्लास तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो फार्मर्स हैं लेबरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सेवरल लेजिसलेटिव मेजर्स लेती है और इस तरीके से वो हेल्प करती है पुअर और बैकवर्ड क्लास को कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन इसके लिए प्रोवाइड करवाती है उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो मिक्स्ड तोनॉमी है वो गोल्डन पाथ है बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डीमेरिट्स क्या है मिक्सड इकोनॉमी के सबसे पहला है अनसर्टेनिटी मिक्सड इकोनॉमी में बहुत सारे एरियाज हैं जिन्हें आप क्लासिफाई कर देते हो कि ये पब्लिक सेक्टर का है या ये प्राइवेट सेक्टर का है लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन्हें आप रिजर्व करके रखते हो पब्लिक सेक्टर के लिए जिन्हें आप ओपन कभी कर देते हो प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी बंद कर देते हो कभी ओपन किया है या कब बंद किया है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर है उसे आप शिफ्ट कर देते हो पब्लिक सेक्टर में नेशनलाइज करके तो जो ये शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर्स से, है उसकी वजह से जो इकनॉमी है उसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है नेक्स्ट इज योर पार्शल गवर्नमेंट कंट्रोल जो मिक्सड इकोनॉमी है वो फुली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होती जो लार्ज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर होता है और ये जो सेक्टर है वो ज्यादा हर्डल क्रिएट करता है इन दिस सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए तो इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट करेक्टर है इस सेक्शन का उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो फेल होती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ एफिशियंसी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो लैक करते हैं एफिशिएंसी अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में नहीं होती क्योंकि जो वहाँ उसके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो हार्ड वर्क नहीं करते रीज़न भी उनके पास जॉब सिक्योरिटी है एफिशिएंसी लैक होती है प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि एक्सेसिव कंट्रोल्स गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगाए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ परमिट लाइसेंसेस और कोटाज एक्सेट्रा तो जो एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन और चेक्स हैं उनकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाते नेक्स्ट इज योर करप्शन मिक्स्ड इकोनॉमी सफर करती है फ्रॉम द ऑफ करप्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मिसयूज करती हैं पब्लिक सेक्टर का अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो ब्राइब देता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ताकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहे इनफ्रिंच जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका वो करता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और जिसकी वजह से करप्शन होती है और जो डेवलपमेंट प्लान्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है देन कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो मिस मिक्सड इकोनॉमी है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर की एक तरफ तो कॉन्स्टेंट फियर रहता है नेशनलाइजेशन का और दूसरी तरफ बहुत सारे लेजिस्लेशन गवर्नमेंट पास कर देती है उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए कि मोनोपेलिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं वो अराइज ना हो और ये सब जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर को रोकती हैं ग्रो करने से इज़ योर ब्लैक मनी ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल मिक्सड इकोनॉमी जो वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं उसने ब्लैक मनी को बर्थ दिया है और ये जो इकोनॉमीज़ हैं ये जैसे गवर्नमेंट है वो इंपोज करती है टैक्स हायर रेट पे ताकि जो जनरेट है रिसोर्सेज वो किए जा सके वेलफेयर एक्टिविटी के लिए और इस हाई रेट ऑफ टैक्सेस से बचने के लिए जो लोग हैं वो डिफरेंट चीजें अडॉप्ट करते हैं जिसमें से जो ब्लैक मनी है वो एक मेथड है देन नेक्स्ट इज योर मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो करेक्टरिस्टिक मिक्सड इकोनॉमी का बन जाता है उसका रीजन क्या है क्योंकि लार्ज फंड्स जब आप एलोकेट करते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान के पब्लिक सेक्टर में तो वो की पॉकेट्स में जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स की पॉकेट्स में जाता है गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की पॉकेट्स में जाता है जो पॉलिटिशियंस है वो अलाउ नहीं करते हैं कि जो एफिशिएंट एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो पब्लिक सेक्टर में हो उसका रीजन है उनका खुद सेल्फिश इंटरेस्ट तो जो भी डिसीजंस है जैसे लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वो एज पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं लिए जाते बल्कि पॉलिटिकल मोटिव्स के बेसिस पर लिए जाते हैं तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि नो डाउट मैरिट्स हैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के मिक्स्ड इकोनॉमी में लेकिन इसमें कैपिटलिज्म की जो ईवल्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सप्लाइटेशन ऑफ ऑफ पोअर सेक्शन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा सिमिलरली जो डीमैरिट्स हैं सोशलिज्म के वो भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जैसे एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द प्राइवेट सेक्टर इन एफिशेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर तो ये था हमारा चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम्स का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जो हम जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज चैप्टर नंबर सेवन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग थैंक यू सो मच